हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ज़ियोलाइट्स। सो अगर आपके जो सिलिकॉन एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं अपने 3D नेटवर्क में, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिकेट्स, तो अगर इन सिलिकेट्स में हम सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस कर दें बाय दी एल्यूमिनियम 3+ आयरन, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मुझे मिलेगा यहाँ पे, इट विल कैरी दी नेगेटिव चार्ज, और इसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। इसको क्या कहेंगे हम, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड अ कैटायन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटायन जैसे कि Na+ या फिर पोटेशियम+ Ca2+, तो अगर इसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें, ऐड कर दें इस सिलिकेट के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट्स जो प्रोड्यूस होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फेल्डस्पार। फेल्डस्पार तो फाइनल स्ट्रक्चर दैट विल बी फॉर्म आफ्टर द incorporation of the positive charge into this aluminum silicates, this is known as the feldspar, या फिर it will form the zeolites. तो feldspar भी form हो सकता है और zeolites भी। feldspar का formula क्या है, KAlSi3O8, तो अगर आप potassium को डालते हैं तो this will give you the feldspar, और ऐसे ही zeolites form होगा अगर आप सोडियम को यहाँ पे डालते हैं। तो ये आपके दो स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होंगे डिपेंडिंग कि आपने कौन से कैटायन को यहाँ पे ऐड किया है। नाउ दीज ज़ियोलाइट्स दे हैव द वेरी वाइड एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं फॉर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। आपकी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे एज अ कैटलिस्ट ज़ियोलाइट्स को यूज किया जाता है, एंड दिस इज यूज फॉर द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज इट इज यूज फॉर द आइसोमराइजेशन प्रोसेस। तो हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग के लिए एंड फॉर द आइसोमराइजेशन ज़ियोलाइट्स का यूज किया जाता है। एंड दीज ज़ियोलाइट्स, जैसे कि इसका एक मेन जो हमारा एग्जाम्पल है, that is the ZSM5, तो ये एक हमारा zeolite का टाइप है, that is used for the conversion of alcohols directly into the gasoline, तो ये alcohol को gasoline में easily convert कर देता है। आपके जो hydrated zeolites होते हैं, these are known as the permuted, and these are used as the iron exchangers in softening of the hard water. So this is also used as the iron exchanger for the softening of the hard water. So ye aapke zeolites hote hain, these are formed by the replacing of the silicon atoms from the silicates, and this replacement is done by the aluminium 3+ ions, and further when to balance that negative charge we add the cation, this may lead to the formation of the feldspar or zeolites, and these zeolites they have a wide application in the petrochemical industry for the cracking of the hydrocarbons and for the isomerization process. And ZSM5, which is one of the type of a zeolite, it is used for the conversion of alcohols to gasoline, and the hydrated zeolite, these are known as the permuted, that is used as the ion exchanger in the softening of the hard water. So this was all about the zeolites. Thank you.